हेलो वेलकम फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक टैली प्राइम में कहां से देखते हैं, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो ध्यान से देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले तो टैली प्राइम ओपन कर लीजिएगा। टैली प्राइम डाउनलोड करना आसान है, आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप कंपनी पे जा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने एक कंपनी सेलेक्ट कर रखी है, मॉर्निंग स्टोर, ठीक है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हम सीधा जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पे रहते हुए हमें कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड से सिर्फ पी प्रेस करना है शॉर्टकट की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके में सिस्टम में हो सकता है कि ऐसा ना दिखाई पड़ रहा हो, तो अभी क्यों नहीं दिखाई पड़ता उसको बता देता हूँ। देखिए, जब आप यहां से, यहाँ देखिए ये कंपनी दिया हुआ है, आप इस कंपनी पे क्लिक कीजिए और सीधा कहाँ आ जाइएगा, सीधा आ जाइएगा ये दिया गया है फीचर्स पे। तो ये फीचर्स पे आ जाना है आपको, और इस फीचर पे आने के बाद आप F11 की प्रेस करके भी आ सकते हैं। और इस फीचर पे आने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर दिया हुआ है मेंटेन इन्वेंट्री, तो ये ऑप्शन तो यस रहना चाहिए। इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अगर ये नो है, देखिए अगर मैं इसे नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देता हूँ, तो अब अगर मैं जाता हूँ वहां पर तो हमें वही चीज यहाँ पर, अब वो चीज आपको दिखाई पड़ने लगी। पहले ये दिखाई नहीं दे रही थी, केवल ओपनिंग स्टॉक लिख के आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये दिखाई पड़ने लगा। देखिए, मैं फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ से क्या करना है। यहाँ शॉर्टकट की सीधा F11 प्रेस करते हैं, और अगर ये ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ये ऑप्शन अगर यस रहे, यहाँ पे देखिएगा, अभी इसको यस कर देता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब चलते हैं वापस कहाँ पे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल शो नहीं होगा, लेकिन जब इसको, और क्लोजिंग स्टॉक तो शो हो रहा है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है, तो आपको F11 करके और यहाँ पर आकर के इसको ऑफ कर देना है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही चीजें शो हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।